Kiaski online classes welcomes to you. Today we will read chapter 3 section 2 packing for the journey of class 7. This is the extract which is written by Charumi K. Charumi. Let's start our chapter. This hilarious extract is from the book Three Man in a Boat written by Charumi K. Charumi. ये एक बहुत फनी सा एक्सट्रैक्ट है जो कि एक नॉवेल से लिया गया है. थ्री मैन इन अ बोट. थ्री फ्रेंड्स डिसाइड टू गो ऑन अ हॉलीडे इन अ बोट डाउन द रिवर थेम्स अकंपनीड बाय द डॉग मॉन्टेमोरेंसी. दिस एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब हाउ द थ्री फ्रेंड्स पैक फॉर देयर जर्नी. सो यहाँ पर थ्री फ्रेंड्स है वो एक बोट में अपनी हॉलीडे ट्रिप पर जाते हैं. उनके साथ में उनका एक डॉग भी होता है. ठीक. सो इस एक्सट्रैक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि उन्होंने पैकिंग किस टाइप से की उनकी जर्नी के लिए. ओके सो लेट्स स्टार्ट. वी मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी टेकन और अ पीटी लेंथी वन इट वाज बिफोर वी पार्टेड दैट इवनिंग. सो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर लिस्ट बनाई. वो थ्री फ्रेंड्स है. उसमें से जो एक है वो नरेटर है. वो ये जो स्टोरी वो नरेट कर रहा है. सो वो कहता है कि हम लोगों ने पहले लिस्ट प्रिपेयर की कि हमें कौन कौन सा सामान हमारे साथ रखना है, कौन सी चीज़ें हमें ले जानी है इवनिंग से पहले. जब उन्हें डिपार्ट करना था, जब उन्हें जाना था, उससे पहले उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की. ओके. द नेक्स्ट डे विच वॉज फ्राइडे वी गॉट देम ऑल टुगेदर एंड मेट इन द इवनिंग टू पैक. सो नेक्स्ट डे फ्राइडे था. सो सब लोग इकट्ठा हुए शाम को सारी पैकिंग के लिए. वी गॉट अ बिग बैग for the clothes and a couple of hampers for the food stuff and the cooking utensils. So उन्होंने जैसे एक बड़ा सा बैग लिया और उसके साथ में दो हैम्पर्स लिए, जिसमें हैम्पर्स में जो बास्केट टाइप जो आता है उसे हैम्पर कहते हैं. सो हैम्पर में उन्होंने फूड स्टफ रखा, यूटेंसिल्स वगैरह रखे. ठीक है. वी मूव द टेबल अप अगेंस्ट द विंडो पाइल्ड एवरी थिंग इन अ हीप इन द मिडल ऑफ द फ्लोर एंड सैट राउंड एंड लुक्ड एट इट. सो सबसे पहले उन्होंने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली. मीन्स उनका जो रूम था वहाँ पर बीच में टेबल था, तो उन्होंने पहले टेबल को साइड से किया और सारा सामान एक हिप बनाकर सब कुछ बीच में रख दिया और उसे सब लोग देखने लगे. आई सैड आई हैड पैक्ड आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. सो मैंने कहा, मिस जो नरेटर है वो कहता है कि मिस ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सारी पैकिंग कर लूँगा. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. So यहाँ पर जो narrator है वो कहता है कि मिस वो खुद को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के कहता है, होशियार बनने की कोशिश करता है कि मैं सब कर लूँगा, मिस मैं पैकिंग में बहुत माहिर हूँ. इस टाइप से वो अपने फ्रेंड्स लोगों को कह देता है. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. So यहाँ पे जो दो अदर फ्रेंड्स थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था थ्री फ्रेंड्स थे, तो एक तो नरेटर हो गया, सेकंड जो था जॉर्ज और हैरिस. सो जो नरेटर है वो जॉर्ज और हैरिस से कहते थे तुम लोग बैठ जाओ उधर दूर और सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और मतलब मैं सारी पैकिंग कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं. दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. और जैसे ही नरेटर इस टाइप से कहता है कि मैं सब कर लूंगा, सो जो जॉर्ज और हैरिस होते वो दोनों भी बिना कुछ कहे कि नहीं हम तुम्हारी हेल्प करते, इस टाइप से बिना कुछ कहे वो जाकर बैठ जाते. तो थोड़ा सा नरेटर को स्ट्रेंज लगता है कि मिस यार इन लोगों ने तो मुझे बोला भी नहीं कि नहीं तुम अकेले मत करो, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, इस टाइप से. सो जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार. सो जो जॉर्ज और हैरी जो जॉर्ज और हैरिस होते हैं वो आराम से बैठ जाते हैं. हैरिस अपने पैर एकदम टेबल पर रख लेता है और दोनों सिगार में सो जो का आता है वो मतलब पीने लग जाते हैं वहाँ पर. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंड. वट आई हैड मीन ऑफकोर्स वॉट दैट आई शुड सुपरवाइज एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन. सो जो नरेटर है वो कहता है मतलब मेरा ऐसा भी मेरा मतलब मैं इस टाइप से भी नहीं कहना चाहता था कि तुम लोग जाकर बैठ जाओ, मैं तो सिर्फ कह रहा था कि मैं कर लूँगा, बट तुम लोग मेरी हेल्प भी कर सकते थे और मैं अगर ऐसा भी कर सकते थे कि तुम लोग करो और मैं तुम लोगों को सुपरवाइज करूँ. ठीक है. सो ऐसा कुछ किया नहीं उन दोनों ने, वो दोनों जाकर वहाँ पर बैठ गए. आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हियर लेट मी डू इट देयर आर देयर यू आर सिंपल इनफ. सो
वो नरेटर मन में ही सोचता है और कहता है कि यार मैं ये लोग काम करते, मैं इनको सुपरवाइज करता तो इनको इनकी मिस्टेक्स बताता कि नहीं नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसा करो, अरे इस टाइम से पैकिंग मत करो। सो मेरा इरादा तो ऐसा था कि मैं इनको सुपरवाइज करूँ, पर ये दोनों तो जाकर आराम से बैठ गए हैं। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से दे आर टेकिंग इट इन द वे दैट इट इरिटेट मी। सो जिस टाइप से वो दोनों आराम से बैठ गए थे तो नरेटर को थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा था, बहुत मतलब तो थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि यार ये मजे से बैठे हैं और आप मुझे ही सारी पैकिंग करनी पड़ेगी। देयर इज नथिंग दैट डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। सो नरेटर यहाँ पे कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब मतलब कोई काम कर रहा हो और बाकी लोग बैठ कर आराम से देख रहे हो। सो मुझे काफी ज्यादा इरिटेशन होता है ऐसे में। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड सॉरी आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। सो यहाँ पर जो नरेटर एक इंसिडेंट याद करते हैं, मतलब उनके साथ ऐसा कुछ पहले भी हुआ था, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। सो वो कहते हैं कि आई लिव्ड विद अ मैन, मींस मैं इसी टाइप के एक मैन के साथ पहले रहा करता था। ही वुड लॉर्ड ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स फॉर आवर्स, फॉलोइंग मी राउंड द रूम विद हिज आईज वेर एवर आई वेंट। सो वो जो मैन था वो हमेशा मुझ पर नजर रखता था कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, क्या कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं सब आराम से सोफे पर बैठा रहता था और मुझे बस देखता रहता था, मैं काम कर रहा हूँ और वो बस बैठा रहता था, इस टाइप से वो मुझे ट्रीट करता था। ही सैड इट डिड हिम रियली गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। और जब भी मैं कोई गलती करता था, मैं कोई मैस क्रिएट कर देता था, तो उससे मुझे देखकर मतलब मेरा मजाक उड़ाने में काफी ज्यादा मजा आता था उसे। ही सैड इट मेड हिम फील दैट लाइफ वॉज नॉट एन आइडियल ड्रीम टू बी गैप्ड एंड यॉन्ड थ्रू बट अ नोबल टास्क फुल ऑफ ड्यूटी एंड स्टैंड वर्क। सो मिस कई बार वो इस टाइप से कहता था कि मतलब मैं जब कोई गलती कर देता था तो वो मुझसे मुझे समझाने लग जाता था कि ऐसा नहीं, इसको ऐसा करो, इस टाइप से मतलब मुझे सुपरवाइज करने की कोशिश करता है। ही सैड ही ऑफ्टन वंडर्ड नाउ हाउ ही कुड हैव गॉन ऑन बिफोर ही मैट मी, हैविंग सॉरी नेवर हैविंग एनीबडी टू लुक एट व्हाइल ही वर्क। सो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब मुझसे मिलने से पहले वो क्या करता है या कैसे रहता होगा। ठीक है, नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, बट मैं इस टाइप का नहीं हूँ। मतलब मैं तो बिल्कुल किसी को देख नहीं सकता कि कोई काम कर रहा और मैं एकदम मजे से बैठा हूँ। आई वेंट टू गेट अप एंड सुप्रीटेंड and walk round with my hands in my pocket and tell him what to do is my energetic nature, I can't help it। so miss मुझे जो काम करना है, मुझे किसी को सुपरवाइज करना है, मतलब किसी को मतलब मेरे अंडर में मैं चाहता हूँ कि कोई काम करे और मैं उसे बताऊँ कि इस टाइप से नहीं ऐसा करूँ। मतलब मेरा मेरी जो इच्छा है, मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि मैं किसी को सुपरवाइज करूँ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ बैठ कर देखूँ, एटलीस्ट उसको सुपरवाइज करूँ, मेरे हाथ पॉकेट में हो, एकदम घूम रहा हूँ मैं आसपास, उसको बताओ कि इस टाइप से पैकिंग करो, इस टाइप से करो। सो ऐसा उनका इंटेंशन था। हाउएवर आई डिडंट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग, इट सीम्स अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। सो ये सब आपको छोड़कर उन्होंने बोला आप पैकिंग तो करनी है, तो चलो पैकिंग कर ही लेते हैं। सो वो पैकिंग करने लग जाते हैं। उनको पहले जितना इजी लग रहा था उतना उस टाइम नहीं लगता, उनको लग रहा था कि हाँ ठीक है हो जाएगी पैकिंग, मैं कर लूँगा। बट बाद में जब वो एक्चुअली में पैकिंग कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि ये इतना भी इजी जॉब नहीं है। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। सो फाइनली उन्होंने पैकिंग कर ली अपनी। अब क्या होता है ना, अपन कुछ ज़्यादा ही सामान अपने बैग में भर लेते तो उसकी जिप नहीं लगती। सो यहाँ पर जो नरेटर है पहले उस पर बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद उसकी जिप लगाने की कोशिश करते हैं, फाइनली वो जिप लग जाती है। आर यू गोइंग टू पुट द बोर्ड्स इन, सैड हैरिस एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड दैट आई हैड फॉरगेटन देम। सो अब जैसे ही पैकिंग फिनिश हो जाती है, मतलब जिप विप सब पैक हो जाता है उनका, सो उसके बाद में जो हैरिस होता है वो कहता है कि तुमने तुम्हारे बूट्स नहीं रखे हैं। सो जो नरेटर है वो इधर उधर देखने लग जाते हैं और वो फिर बोलते हैं हाँ मैं तो मेरे बूट्स रखना तो भूल ही गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैक शर्ट एंड स्ट्रैप्ड ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर जो नरेटर है वो थोड़ा सा और फिर से गुस्सा करते हैं कि ये पहले नहीं बोल सकता था मुझे कि मैं मतलब मैंने पूरा बैग पैक कर दिया, जिप लगा दी उसकी,
एकदम अच्छे से पैकिंग हो गई, उसके बाद ही मुझे याद दिला रहा है कि तुमने तुम्हारे ब्रो बूट्स नहीं रखे हैं। ही कुडंट हेल्प एंड जॉर्ज लाफ्ड वन ऑफ दोस इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज। सो बाद में जो जॉर्ज है वो भी उस पर हंसने लग जाते हैं, मिस दोनों मिलकर उसका उनका मजाक उड़ाते हैं। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी। सो क्या फिर जो नरेटर वापस से जिप ओपन करता है उस बैग की और फिर उसमें अपने बूट्स रखते हैं और जैसे ही उसको पैक करने ही वाले थे कि उनको एक और चीज़ याद आ जाती है। हैड आई पैक्ड माय टूथब्रश, फिर वो सोचते हैं कि क्या मैंने मेरा टूथब्रश रख लिया है। आई डोंट नो हाउ इट इज बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माय टूथब्रश, तो उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने अपना टूथब्रश रखा या नहीं रखा। ठीक है, माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी When I'm traveling and makes my life a misery. So, वो याद करते कि उनका जो टूथब्रश है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब टूथब्रश तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सो उनके लिए भी उनका टूथब्रश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी ट्रैवलिंग में करते तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपना टूथब्रश रखना भूल जाते हैं। आई ड्रीम्ड दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड परिस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। सो एक मतलब उनको कई बार सपने में भी ये चीज़ आ जाती है कि मैंने मतलब पैकिंग, जब भी वो कहीं जाना होता है पैकिंग करते हैं नाइट में, सब सुबह कहीं जाना होता है उनको, सो कई बार उनको सपने में भी आती ये चीज़ आ जाती है कि उन्होंने अपना टूथब्रश रखा ही नहीं और फिर सुबह उठते हैं और फिर अपने ब्रश की ओर भागते हैं मिस पैकिंग करने के लिए, पैक करने के लिए उसको। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक्ड इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। सो कई बार ऐसा भी होता है कि वो टूथब्रश रख लेते हैं और फिर घर में ढूंढते रहते हैं, फिर वापस अपना बैग अनपैक करते हैं, वापस टूथब्रश निकालते हैं, अपना ब्रश करते हैं और फिर वापस रखते हैं। सो यहाँ पर वो उनके टूथब्रश के बारे में बता रहे हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और कई बार फिर भी वो उसे भूल जाते हैं। सो द एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगॉट इट एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन wrapped up in my pocket handkerchief. So कई बार ऐसा होता है कि उनको कहीं जाना होता है सो वो आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं अपना टूथब्रश लेने के लिए, फिर उसको फटाफट अपने handkerchief पर लपेट कर और अपने पॉकेट में रख लिया करते हैं। Of course, I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it. So फिर से मैं सब अपने टूथब्रश के बारे में बता रहे हैं कि जो टूथब्रश है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए, ठीक है, और कई बार उनको मिलती नहीं है, मतलब वो भूल जाते हैं रखना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो नेक्स्ट पार्ट है हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। थैंक यू।